नमस्कार, आप सुन रहे हैं नौ रूप नौ दिन नौ कथाएं अशोक हमराही के साथ। नवरात्र आदि शक्ति भगवती दुर्गा की उपासना का पर्व है। प्रथमा से नवमी तिथि तक हर तिथि को माँ भगवती के अलग अलग नौ रूपों की पूजा आराधना की जाती है और माँ के स्वरूप की कथा सुनी जाती है। नवरात्र की प्रथमा तिथि को माँ शैलपुत्री, द्वितीया को माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीया को माँ चंद्रघंटा, चतुर्थी को माँ कूष्मांडा, पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता, षष्ठी को माँ कात्यायनी, सप्तमी को माँ कालरात्रि, अष्टमी तिथि को माँ महागौरी और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस प्रकार नवरात्र का हर दिन देवी भगवती के इन्हीं विशिष्ट रूपों को समर्पित है। नवरात्र की सप्तमी तिथि को माँ भगवती के कालरात्रि रूप की पूजा और अर्चना की जाती है और माँ की कथा सुनी जाती है। देवी माँ ने असुरों का वध करने के लिए कालरात्रि का रूप लिया था। देवी पुराण के अनुसार शुंभ और निशुंभ नाम के बलशाली असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था, जिससे त्रस्त होकर देवताओं ने मंत्रणा की कि जगदम्बा ने उन्हें वर दिया था कि संकट के समय वो रक्षा करेंगी। ये विचार कर देवताओं ने माँ भगवती की स्तुति की। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततम नमः, नमः प्रकृत्ये भद्राये नियता प्रणता स्मताम। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और देवताओं को अभय दान दिया। तभी शुंभ और निशुंभ के अनुचर चंड मुंड ने देवी को देखा और जाकर शुंभ निशुंभ से देवी के सौंदर्य की प्रशंसा की। ये सुनकर शुंभ और निशुंभ ने देवी को लाने के लिए अपना दूत भेजा, किंतु देवी ने उसे लौटा दिया। ये जानकर शुंभ निशुंभ ने क्रोध से भरकर चंड मुंड के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी और उन्हें निर्देश दिया कि वे देवी को लेकर आएं। गिरिराज हिमालय के शिखर पर देवी के समक्ष पहुंचकर चंड मुंड सहित सभी दैत्य उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे। ये देख अंबिका को क्रोध आया, जिससे विकराल रूपी काली प्रकट हुई। काल रात्रि माँ काली का ही स्वरूप है। देवी काली ने दैत्यों की सेना का भक्षण करते हुए चंड मुंड के मस्तक काट दिए और उन्हें ले जाकर जगदम्बा को अर्पित कर दिया। तभी से माँ काली को चामुंडा नाम से भी पुकारा जाने लगा। चंड मुंड के संहार के बाद शुंभ निशुंभ की सेना में रक्त बीज नाम के दैत्य ने आतंक मचाना प्रारंभ किया। माँ दुर्गा ने रक्त बीज पर प्रहार किया, लेकिन उसके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें धरती पर गिरी, उन बूंदों से उतने ही रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उत्पन्न लाखों रक्त बीज युद्ध भूमि में और अधिक आतंक मचाने लगे, जिससे धरती डामाडोल होने लगी। सृष्टि को इस प्रकार आतंकित देख माता जगदम्बा ने माँ कालरात्रि का विकराल रूप धारण किया। फिर जैसे ही देवी ने रक्त बीज पर भीषण प्रहार किया, माँ कालरात्रि ने रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरने से पहले ही अपनी जिह्वा फैलाकर उसका सारा रक्त पी लिया। इस प्रकार महादैत्य रक्त बीज का संहार कर देवी माँ ने उसके आतंक से त्रिलोक की रक्षा की। नवरात्र के सातवें दिन को महासप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ कालरात्र की पूजा आराधना और कथा सुनने से समस्त प्रकार की भय बाधाओं से मुक्ति मिलती है। शुभ वरदायिनी माँ कालरात्रि को शुभंकारी देवी भी कहा जाता है। पापियों का नाश करें, असुरों का विनाश करें, रौद्र रूप कालरात्रि माँ,
काल रूप काल रात्रि माँ। ओम काल रात्रि देवे नमः। अगर 9 रूप 9 दिन 9 कथाएं सीरीज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेयर करना ना भूलें, और अपने सुझाव यानी सजेशंस के लिए इंस्टाग्राम पर आकर हमें टैग करना और बताना ना भूलें @ashokhamrahi।